हेलो फ्रेंड, तो आज हम बनाने जा रहे हैं बेसन के नमकीन। बहुत ही टेस्टी लग रहा है चाय के साथ खाने में, तो इस तरीके से आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी अच्छी लगेगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो यह नमकीन बनाने के लिए पहले हम बेसन ले लिए हैं यहाँ। तो यहाँ हम एक बड़ा कटोरी के करीब बेसन लिए हैं। अभी बेसन में डालेंगे नमक, नमक स्वाद अनुसार कम या ज़्यादा यहाँ ले सकते हैं। हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर, एक छोटा चम्मच अजवाइन। अब हम इसमें डालेंगे 2 से 3 चम्मच के करीब रिफाइन ऑयल। अब हम सबको अच्छे से पहले हाथ से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के बेसन का घोल तैयार करेंगे। तो इधर हम बेसन को अच्छे से मिक्स कर लिए हैं। इसे 2 से 3 मिनट तक ऐसे ही सबको अच्छे से मिक्स करते रहेंगे। इससे क्या होता है ना, बहुत ही टेस्टी बनता है, एकदम क्रिस्पी बनेगा। तो इधर हम सबको अच्छे से मिक्स कर लिए हैं। तो इधर मेरे पास नमकीन बनाने के लिए है, आप चाहे तो इसे प्लास्टिक का बोतल में भी बना सकते हैं। तब हम सबको इसमें बेसन डाल देंगे। 2 से 4 चम्मच के करीब इसमें अटेगा तो उतना हम इसमें डाल देंगे। अब हम इसका ढक्कन बंद कर लेंगे। इधर हम इसका ढक्कन अच्छे से बंद कर लिए। इधर हम कढ़ाई में तेल गरम होने के लिए रख दिए थे, तो तेल जो है वो अच्छे से हम गरम कर लिए थे। अब हम इस तरीके से इसमें कढ़ाई में नमकीन बनाएंगे। तो पहले हम एक साइड अच्छे से होने देंगे, उसके बाद हम पलटेंगे इसे। एक साइड मेरा हो गया, इसे हम पलट दिए हैं। इधर मेरा बन के हो गया रेडी। सबको हम एक प्लेट में निकाल लिए। इसी तरीके से हम सारे नमकीन बना लिए हैं। देख सकते हैं कितना टेस्टी लग रहा है देखने में ही, खाने में भी बहुत ही टेस्टी है। शाम के टाइम चाय के साथ बहुत ही टेस्टी लगता है खाना। इस तरीके से आप लोग घर पे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा बेसन से। रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो लाइक कीजिएगा, कॉमेंट में बताइएगा कि रेसिपी कैसी लगी नमकीन की। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।